जी दोस्तों, हम शारदा अपनी राइड स्टार्ट करेंगे और जाएंगे केल, और केल दिखाएंगे आपको पैराडाइज ऑफ कश्मीर। तो लेट्स गो, चलते हैं केल की जानेब। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट नीलम में केरन, शारदा और केल कुदरती हुसन के साथ साथ कश्मीरी खानों, अच्छे होटल की वजह से टूरिस्ट में का खासा मकबूल है। यही वजह है कि सयाह हजरात सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहना और इन इलाकों को देखना पसंद करते हैं। मुजफ्फराबाद से केल का 227 किलोमीटर का तवील ये सफ़र तकरीबन 9 घंटे पर मुश्तमिल है, जबकि हम इस व्लॉग में शारदा से केल का सफ़र करेंगे जो कि 21 किलोमीटर है। ऊंचे नीचे रास्ते, टूट फूट की शिकार ये सड़क 2 घंटे में आपको केल ले जाएगी, मगर बेहतर ये है कि आप यहाँ की लोकल बस या जीप को हायर करें। दोस्तों, मेरे चैनल पाकिस्तान टूरिज़्म को चाहिए आपकी सपोर्ट, और वो कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें, बेल आइकन दबा दें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों, शारदा की दूसरी ख़ास बात, आप यहां से नारान कागान भी आ जा सकते हैं। मेरे सामने ये जो आर्मी की चेक पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहीं से नूरी टॉप के लिए रास्ता निकलता है जो कि 32 किलोमीटर पर नूरी टॉप आता है, और यही रास्ता आगे जाकर जलकट और नारान कागान बाबूसर तक जाता है। पथरीला और कच्चा रास्ता, और साथ में आपको काफ़ी हाइट पर जाने के लिए इस ट्रैक पर जीप को हायर करना पड़ता है, जिस पर 4 घंटे लग जाते हैं, और ये 90 किलोमीटर तवील सफ़र है यहाँ से नारान का। सोन का नूरी टॉप, हाँ ये तो काफ़ी मशहूर है नूरी टॉप जाने। नूरी टॉप बाइक जा सकती है, मोटरसाइकिल? हाँ जी, बाइक जा सकती है, लेकिन इस टाइम नहीं, बारिश है। ठीक है, और कितनी देर का सफ़र है? 36 किलोमीटर है। कितनी देर का सफ़र है नूरी टॉप के लिए? एक मिनट, 2 घंटे सर लग जाते हैं। 2 घंटे लगे? हाँ, 2 घंटे। रास्ता कैसा है? रास्ता कच्चा है। कच्चा है, जैसे हम जैसे ही आए इसी तरह का है? सही सही, चले चले, शुक्रिया। और इसके साथ दोस्तों, इस तमाम इलाके में सिर्फ एसकॉम और यूफोन मोबाइल नेटवर्क ही काम करता है। केल का जो दोस्तों रास्ता है वो भी आप देख रहे हैं, सारा टूट फूट का ही शिकार है, और जैसे दवारियों से रास्ता है शारदा तक, आगे भी अभी तक तो ऐसा ही रास्ता हमें मिल रहा है। मौसम काफ़ी ठंडा है, यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है, और जो रास्ता है वो भी टूट फूट का शिकार है। चार्ली पे हम जा रहे हैं, अपनी चार्ली बाइक के ऊपर, 110 ये बाइक है। आपको बताएंगे कि कितने हमारे एक्सपेंस हुए, और आप किस किस्म की एहतियात करें तो आप अपनी बाइक के ऊपर आ सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला ये व्लॉग है, ठीक है। और केल यहाँ से तकरीबन बता रहे हैं जो मकामी हैं कि 2 घंटे की राइड है। बस हम एक दुआ गो हैं कि बारिश ना रास्ते में आ जाए, अगर बारिश आ गई तो फिर चार्ली के ऊपर सफ़र करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सफ़र में जगह जगह खूबसूरत आबशारें, झरने, चश्मे, सरसब्ज बुलंदोबाला पहाड़, साथ में दरियाए नीलम की शोर मचाती लहरें आपको रोड की थकावट से तो दूर ही रखेंगे। देखते हैं सर, साथ स्लाइडों पर बने हुए लकड़ी के दीवारें और लकड़ी की छतें, कुछ के ऊपर ये स्टील लोहे का इस्तेमाल किया गया है, और किसी पर लकड़ी के पट्टे ही लगा के काम चलाया गया है। बाकी ये यहाँ की है जी शहजादी जीप, जो हर तरह के ट्रैक के ऊपर जा सकती है। बाकी मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर आप जो नॉर्मल ड्रेसिंग देखेंगे, ये देख रहे हैं बास्केट और कैप, शलवार कमीज। मगर इस सफ़र के लिए बेहतर है आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट, गर्म कपड़े और बंद शूज़ हों। आपको कश्मीर की सर्द हवाओं से
बचाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत डेंजर है भाई ये रास्ता, लेकिन एडवेंचर से भरा हुआ है। सर ये केला की कितनी दूर है? बस 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर? हाँ। कितनी देर लगेगी? जब आराम से जाते तो घंटा लगेगा, जब जाता तो चलो जाएंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधा घंटा इंशाल्लाह। जाओ अल्लाह तो वाला। चलो शुक्रिया। थोड़ा कम वजन उठवा लो यार इससे। दोस्तों केल से 5 किलोमीटर पहले ही अयूमन फेस माउंटेन दिखाई देता है, जिसकी इस पहाड़ की बिल्कुल शक्लो सूरत इंसान के जैसी दिखाई देती है। अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर केल आने का मज़ा ना हुआ। यहाँ पर आप रुकें और इसकी खूबसूरती को महसूस करें। अब शाम हो रही है, सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही है, तो मुझे जल्द अज जल्द केल पहुंचना होगा। जी दोस्तों, हम 3 घंटे की मुशक्कत वाली राइड करके पहुंच आए हैं केल में। काफ़ी ख़ूबसूरत ये इलाका है, लेकिन जो ट्रैक है वो एडवेंचर से भरा हुआ है। बहरहाल हमें जहां पर बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, वहीं पर हमें बहुत ख़ूबसूरत कुदरती हुसन जो है वो बड़ा से करीब से देखने का मौका भी मिला। तो बाकी हमारी एक्सरसाइज होगी कि हम यहाँ केल में अब होटल फाइंड अप करें जहाँ हम स्टे कर सकें, और सुबह आपको दिखाएंगे केल के बाज़ारों की भी सैर करेंगे, और केल की जो मशहूर चीज़ें हैं, जो फेमस पॉइंट हैं, वो भी हम टच करेंगे, और फिर चलेंगे ताऊभट, जो आज़ाद कश्मीर का आखिरी पॉइंट है। दोस्तों फाइनली केल के मेन बाज़ार में पर्वत होटल पर मुझे रूम भी मिल गया, खाना भी मैं यहीं से खाऊँगा। ये जी हमें रूम मिला है केल में, एक डबल बेड लगा हुआ है, नीचे कलीन बिछा हुआ है, और इसकी जो एक दिन का रेंट है वो है 1500, और काफ़ी इकोनॉमिकल हमें ये मिल गया है। और दोस्तों सुबह मैं आपको सैर कराऊंगा परियों के देश की, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा अडंग केल के कुछ ख़ास मेहमानों से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि मेरा नेक्स्ट वीलॉग आपको बआसानी मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।